दोस्तों, इस वीडियो में हम STSE एग्ज़ामिनेशन 2019 का जो क्लास 10 के विद्यार्थियों का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन और आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आए हैं। पेपर का कोड है SAT 803 और क्लास 10 के विद्यार्थियों का पेपर है ये, जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019 के अंदर आया हुआ है। उनके प्रश्न और प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो प्रारंभ करते हैं हम। ये जो पेपर है वो शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड है और जिसके अंदर हम विज्ञान और गणित के प्रश्न आते हैं, तो हम विज्ञान और गणित के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं हम। ठीक है, इसमें कुल 90 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, डाइन भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी। ये जो सभी है वो सभी बल के मात्रक हैं। दूसरा प्रश्न, यदि कार्य बल तथा समय क्रमशः एक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो पद एक्स बटा हुआ वाई जेड स्क्वायर प्रदर्शित करेगा। तो एक्स बटा हुआ वाई जेड स्क्वायर त्वरण को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न, 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील है तो पिंड पर कार्यरत बल होगा। तो पिंड पर कार्यरत बल 1 न्यूटन का होगा। चौथा प्रश्न हो जाएगा, सावत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान है। तो जी का मान क्या होता है? तो 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पांचवा प्रश्न, 10 kg द्रव्यमान के पिंड का भार होगा। तो 10 kg द्रव्यमान के पिंड का भार होगा 98 न्यूटन, करेक्ट ऑप्शन 3। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 9.8 m/s वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय ही। तो वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लिया गया समय 1 सेकंड हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। आठवां प्रश्न, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन दोनों स्थितियां होती है तो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आगे नौवां प्रश्न है, 10 ग्राम द्रव्यमान का कण 5 m/s वेग से चलते हुए समान द्रव्यमान के स्थिर पिंड से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात कण प्रथम कण का वेग होगा। तो प्रथम कण का वेग हो जाएगा 0। दसवां प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 Hz है, इसके 4 सेकंड में कंपनों की संख्या। तो 4 सेकंड में कंपनों की संख्या 400 हो जाएगी। ग्यारहवां प्रश्न, किसी तरंग के वेग v, आवृत्ति n एवं तरंग दैर्ध्य लेमडा में क्या संबंध है? तो किसी तरंग के वेग v, आवृत्ति एन और तरंग दैर्ध्य लेमडा में जो संबंध होता है वो होता है वी बराबर एन लेमडा। उसके बाद 12वां प्रश्न, सामान्यतः 0°C ताप पर वायु में ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि तरंग का वेग होता है 330 m/s। उसके बाद 13वां प्रश्न दे रखा है, दिए गए किरण चित्र में लेंस की क्षमता डाइप्टर में होगी। तो लेंस की क्षमता डाइप्टर में कितनी होगी? तो इसमें हम देखेंगे लेंस की क्षमता जो डाइप्टर में होगी वो होगी 4।
उसके बाद 14 नंबर प्रश्न, छोटे द्वारक के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वृत्तता त्रिज्या होगी, तो इसकी वृत्तता तो त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 15वां प्रश्न है, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो चौथे नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बीच में माइनस हो तो वो लेंस का सूत्र हो जाएगा। 16वां प्रश्न, चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा ओम इंटू मीटर होगा। उसके बाद 17वां प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल की शक्ति होगी, तो बल की शक्ति हो जाएगी 110 वोल्ट। उसके बाद 18वां प्रश्न है, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तो इसमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम का। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किसी प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो एच समानुपाती होगी आई स्क्वायर के, एच समानुपाती होगी आर के, और एच समानुपाती होगी टी के। उसके बाद 20वां प्रश्न, यदि किसी विद्युत परिपथ में 2 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में धारा होगी, तो परिपथ में धारा हो जाएगी 1 एम्पियर। 21वां प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में होता है 36×10^5 जूल। 22वां प्रश्न, जब बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 0 है तो कार्य का सूत्र हो जाएगा W=Fs cos 0। 23वां प्रश्न है, चित्र में पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, तो पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 0.98 जूल। उसके बाद आगे 24वां प्रश्न है, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक K=6×10^3 Nm/m है, इसे माध्य स्थिति से 10^-2 मीटर खींचने में किया गया कार्य होगा, तो इसमें जो कार्य होगा 24वें का वो हो जाएगा 0.3 जूल। 25वां प्रश्न, एक अश्व शक्ति का मान होता है, एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट होता है। 26वां प्रश्न, पदार्थ की पांचवी अवस्था का क्या नाम है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद 27वां, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। 28वां, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है, तो एक परमाणु अणु जो है वो है आर्गन। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है H2O, H2O का H2O, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में चेंज होना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 30वां प्रश्न है, एक संतत्व विलयन में ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्रिस्टलीकरण। 31वां प्रश्न है, परमाणु के एम कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का जो सूत्र है वो है 2n2, और n जो है वो एम कोश है, तो एम कोश के लिए n का मान 3 हो जाएगा, तो 3×9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समस्थानिक का उदाहरण नहीं है, तो समस्थानिक का उदाहरण 1 नहीं है, क्योंकि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बाकी तीनों में परमाणु क्रमांक समान है, इसमें नहीं है, तो ये समस्थानिक का उदाहरण नहीं होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 33वां, जल के 0.36 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या है,
जल में 0.36 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या हो जाएगी 12.044 × 10^21। उसके बाद 34वां प्रश्न है, 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो हो जाएगी 92 और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम 235 में से 92 माइनस कर देंगे तो 143 आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। उसके बाद 35वां है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है कॉपर, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र है Al2SO4 और ब्रैकेट क्लोज्ड और 3। उसके बाद 37वां प्रश्न है, अधोलिखित में से त्रिबंध युक्त अणु है, तो त्रिबंध युक्त अणु किसका होता है, तो त्रिबंध युक्त अणु होता है नाइट्रोजन का, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। 39वां प्रश्न है, अधोलिखित में से लुईस अम्ल है, तो लुईस अम्ल हो जाएगा AlCl3। 40वां प्रश्न है, अम्लों का राजा है, तो अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, H2SO4 नाइट्रिक अम्ल को। उसके बाद आगे 41वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, तो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2SO2+O2=2SO3। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 42, 2CHCl3+O2 सूर्य का प्रकाश 2+2HCl, इसमें एक्स जो उत्पाद होगा अभिक्रिया में वो कौन सा होगा, तो एक्स जो उत्पाद होगा वो हो जाएगा फोस्जीन ये उत्पाद हो जाएगा। उसके बाद 43वां प्रश्न, HCl+NOH अभिक्रिया NaCl+H2O उपयुक्त अभिक्रिया में अभिकारकों के समान मोल लेने पर प्राप्त विलयन की pH होगी, तो विलयन की pH क्या हो जाएगी, 7, मतलब विलयन उदासीन हो जाएगा, क्योंकि HCl जो है वो अम्ल है, NaOH क्षार है, और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में जब NaCl लवण और जल बन रहे हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, अतः इनका pH मान 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से परा यूरेनियम तत्व हैं, तो परा यूरेनियम तत्व कौन सा होगा, तो परा यूरेनियम तत्व हो जाएगा NP। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है, तो सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व जो है वो है CS। उसके बाद 46वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों से संबंधित वर्ग है, तो डी ब्लॉक से संबंधित तत्वों का जो वर्ग है वो हो जाएगा हमारे पास 3 से 12, वर्ग 3 से 12 डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। उसके बाद 47वां प्रश्न, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, तो अक्रिस्टलीय अपरूप हो जाएगा गैस कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट हीरा फुलरीन तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न, नियोपेंटेन का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2,2-dimethylpropane। उसके बाद 49वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, अधोलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो स्टार्च प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद 50वां प्रश्न, बेंजीन एवं साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात हो जाएगा 1:2। 51वां प्रश्न है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल है,
तो पौधों की जड़ों से जो जल अवशोषित होता है वो होता है केशिका जल। 52वां प्रश्न, वाहित मल में मिलने वाले संक्रामक जीवाणु से होने वाला रोग है, तो वाहित मल में जो संक्रामित जीवाणु होता है उनसे पीलिया नामक रोग होता है। उसके बाद 53वां प्रश्न, आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर के रचयिता है, तो रस रत्नाकर के रचयिता नागार्जुन है। आगे 54वां प्रश्न, पुष्पी पादप के भ्रूण कोश में निषेचन से त्रिकेंद्र की रचना बनाते हैं, तो त्रिकेंद्र की रचना बनाते हैं ध्रुवी केंद्रक। उसके बाद 55वां प्रश्न, किस प्रभाग के पादप संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, तो क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं। उसके बाद 56वां प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 57वां प्रश्न, ग्वारपाटा पादप के कौन से भाग से औषधि प्राप्त होती है, तो पत्ती वाले भाग से औषधि प्राप्त होती है। 58वां प्रश्न, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, तो विश्व में कुल 34 जैव विविधता तत्व स्थल है। उसके बाद 60वां प्रश्न, एड्स रोधी गुण वाले पादपों का सही युग्म है, तो तुलसी और गिलोय, ये दोनों एड्स रोधी गुण वाले पादप हैं। उसके बाद 61वां प्रश्न, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो एक कोशिकीय जीव क्लेमाइडोमोनस एक कोशिकीय जीव है। आगे 62वां प्रश्न, मानव में सामान्य विश्राम अवस्था में अनुशिथिलन दाब होता है, तो अनुशिथिलन दाब जो होता है वो 80 mm पर मरकरी होता है। उसके बाद 63वां प्रश्न, कौन से विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का अतिस्राव होता है, तो विटामिन के की कमी से अधिक रक्त स्राव होता है। 64वां प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किस संघ का लाक्षणिक है गुण है, तो खुला परिसंचरण तंत्र आर्थोपाडा संघ का लाक्षणिक गुण है। उसके बाद 65वां प्रश्न, केला देवी अभयारण्य में प्रमुख वन्य जीव है, तो प्रमुख वन्य जीव है रीछ। आगे 66वां प्रश्न है, एक न्यूरॉन के द्रुमाक्ष के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है संधि स्थल। उसके बाद 67वां प्रश्न, एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1। उसके बाद 68वां प्रश्न है, रक्त में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसके बाद 69वां प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक तत्व है, तो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम है। 70वां प्रश्न, सरीसृपों का उत्सर्जित अपशिष्ट है, तो सरीसृपों का उत्सर्जित अपशिष्ट यूरिक अम्ल है। उसके बाद 70 प्रश्न विज्ञान से संबंधित पूरे हो गए हैं, अब 20 प्रश्न गणित से संबंधित है। तो गणित का पहला प्रश्न है, पूर्ण घन संख्या 1058283817 का घनमूल क्या होगा, तो इसका घनमूल हो जाएगा 473। उसके बाद 72वां प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद x2 + px + q के शून्यांक हो, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा का मान हो जाएगा √p² - 4q। उसके बाद 73वां प्रश्न है, यदि बहुपद fx(x³ - 6x²+10x+b) जहां b एक अचर है को x+2 से भाग देने पर शेषफल -55 आता है, तो b का मान क्या होगा, तो इसमें b का मान आ जाएगा हमारे पास -3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि √1 + 25/144 =
ब्रैकेट 1 + x / 2 ब्रैकेट क्लोज, तो x का क्या मान होगा, तो x का मान हो जाएगा 1। उसके बाद अगला प्रश्न, है 75 नंबर। यदि n एक सम प्राकृत संख्या हो तो गुणनफल n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट n+2 का भाज्य होगा, तो इसका भाज्य हो जाएगा 24 से। 76 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एस इक्वल टू AE है, AB एवं CD समांतर हैं, कोण BAC इक्वल टू 84 डिग्री है, कोण ADC इक्वल टू 40 डिग्री है, तो कोण AEC का मान होगा, तो कोण AEC का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 डिग्री। कोण AEC का मान 68 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, दिए गए चित्र में दो वृत्त दर्शाए गए हैं, AB व AC, इनके व्यास हैं, AB और AC इनका व्यास है, जहाँ AB 7 सेंटीमीटर और BC 2.8 सेंटीमीटर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प छायांकित भाग के क्षेत्रफल को दर्शाएगा, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल को दर्शाना है, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2π ब्रैकेट 4.9 का स्क्वायर -3.5 का स्क्वायर। अगला प्रश्न है 78 नंबर, यदि समीकरण 2x + 3y = 13 एवं 4x - ky = 4 दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान आ जाएगा -6। अगला प्रश्न है 79 नंबर, दिए गए चित्र में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई के योग का मान होगा, ये जो सभी अंतः कोण दे रखे हैं इसमें, तो सभी अंतः कोण का मान हो जाएगा 180 डिग्री। 80वां प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा का मान होगा, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा p² + 1/2p। अगला प्रश्न है 81 नंबर, गायों एवं भैंसों के एक समूह में गायों की संख्या भैंसों की संख्या से दुगुनी है, इस समूह में 10 गायें और 10 भैंसे और आकर मिल जाती हैं, इस प्रकार बने नए समूह में से यादृच्छिक रूप से एक गाय का चुनाव करने की प्रायिकता पर क्या असर पड़ेगा, तो प्रायिकता जो होगी पहले से कम हो जाएगी, उसके बाद अगला प्रश्न है 82 नंबर, दिए गए चित्र में त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें POQ 90 डिग्री है, और OR PQ के लंबवत हैं, यदि OP 20 सेंटीमीटर है, OQ 15 सेंटीमीटर है, तो OR की लंबाई होगी, तो इसमें हमको OR की लंबाई निकालनी है, तो OR की लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 83 नंबर, यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी 33/1/3%। क्वेश्चन नंबर 84, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप होगा, तो उसका परिमाप हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 85 नंबर, दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, PQ जो है वो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को R बिंदु पर स्पर्श करती है, यदि
आर क्यू 40 डिग्री हैं तो आर टी ओ का मान ज्ञात कीजिए। इस आर टी ओ का मान निकालना है तो आर टी ओ का मान भी कितना हो जाएगा, तो आर टी ओ का मान हो जाएगा 50 डिग्री। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 हो तो कोस की पावर 8 थीटा प्लस 2 कोस की पावर 6 थीटा प्लस कोस 4 की पावर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद उसके बाद 87वां नंबर का प्रश्न है, समांतर श्रेणी 20 19 से ही 2/5, 18 से ही 4/5, 18 से ही 1/5 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, तो इसका 35वां पद प्रथम ऋणात्मक पद हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक 0 0 2a0 हो तो उसके तीसरे शीर्ष जो कि प्रथम चतुर्थांश में है उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे a, a√3। 89वां प्रश्न, यदि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है तो पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर घूमेगा, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया को 1000 चक्कर घूमना पड़ेगा। उसके बाद 90वां और लास्ट प्रश्न है, यदि x प्लस वाई 90 डिग्री हो तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई -5 का मान होगा, तो इसका मान आ जाएगा -4। दोस्तों इस वीडियो में हमने विज्ञान तथा गणित से संबंधित 90 प्रश्न को सॉल्व किया है और जो STSE एग्ज़ाम 2019 के अंदर कक्षा 10 के अंतर्गत आया हुआ है। अतः आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें।